दोस्तों नमस्कार। जैविक वाला चैनल में आज एक नया विषय, यानी नया विषय इस तरह है कि हमारे पास में मौजूद है सोयाबीन। ये देखिए सोयाबीन, तो सोयाबीन का क्या प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। तो सोयाबीन का हम बनाने जा रहे हैं टोफू। जी हाँ, ये टोफू मतलब पनीर। सोयाबीन हमारे यहाँ बहुतायत में होता है और इसका उपयोग हम बहुत कदाचित ही कम करते हैं। तो हमारा प्रयास है इन खाली दिनों में, लॉकडाउन में, हम इसका क्या सदुपयोग कर सकें। तो आज हम आपको यह बताना चाहेंगे कि जैविक सोयाबीन से जैविक पनीर कैसे बनाया जाएगा। तो आइए चलिए, सबसे पहले हम सोयाबीन को ओवरनाइट, रात भर में हम इसको भिगा कर रखेंगे। 7 से 8 घंटे इसको भीगे रहना चाहिए। ये भीगा हुआ आपके सामने है। अब इसको हम लेंगे मिक्सी पर, इस मिक्सर में रखेंगे और मिक्सर में रख कर इसको ग्राइंड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके इसको ग्राइंड करेंगे, आपके सामने हम ग्राइंड करके दिखाएंगे। थोड़ा सा पॉइंट ऐड कर देंगे जिससे कि ये जल्दी हो जाए। अब इसको हम ग्राइंड करेंगे। देखिए मिक्सर में मिक्स करने के बाद में ये कुछ इस तरह हुआ। अब इसको हम क्या करेंगे, छन्नी में लेकर इसको छान देंगे। ये छन्नी में इसको छान देंगे, यहाँ इसको रख देंगे और नीचे जैसे छान देंगे तो दूध अलग हो जाएगा और इसका जो कचरा है वो अलग हो जाएगा। तो हमारा प्रयास है कि इसको एक चम्मच से चला दे ताकि जल्दी से दूध अलग हो जाए। छानने के बाद में कुछ इस तरह का बनेगा, बचेगा। छन्नी से यदि ना हो पाए तो हम कपड़े का भी सहारा ले सकते हैं। फिर से इसको एक बार फिर चर्न करेंगे, पानी रख के इसको। छन्नी की जगह हम कपड़े का भी उपयोग कर सकते हैं। ये कपड़ा लिया और कपड़े में डाल के हमारा मेन उद्देश्य है इसको छानना। कपड़े में एक साफ रुमाल हमने जैसे लिया हुआ है, इस रुमाल को लेकर और इससे हम दूध को अलग और इसका जो छोकता है उसको अलग कर लेंगे। ऐसे इसको करके घुमा लेंगे। ये देखिए दूध इसमें निकल जाएगा। इस पतीले में जिसमें हमने मिक्स करने के बाद में, ग्राइंड करने के बाद में इसमें छाना है, इसको हम छड़ा देंगे गर्म होने के लिए। और ऐसे एक दो बार और करके जितना हमें ज़रूरत है उस हिसाब से हम पहले दूध बनाएंगे, पनीर बनाने के पहले सोयाबीन का दूध, और उसको हम गर्म होने के लिए रख देंगे। तो जब गर्म होता रहेगा उसके बाद हम पनीर की अगली प्रोसेस करेंगे। ये जैसे इसको गंजी में हम पका रहे हैं तो अब हम डाल देंगे थोड़ा सा मठा। ये हमने मठा डाल दिया जिससे कि ये, और अच्छी तरीके से इसको चला देंगे। अब ये मठा क्यों डाला है, कुछ और भी डाल सकते हैं, एसिड डालना है जिससे कि ये फट जाए। थोड़ी देर इसको खोलने देंगे, कुछ देर खोलेगा, अलग अलग जब हो जाएगा तब हम इसको पनीर अलग कर लेंगे। ये दूध फाटने के लिए हमने मठा डाला, थोड़ा सा और डाल देता हूँ। वैसे पनीर तो मार्केट में है ही, लेकिन हम सोयाबीन के पीछे क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि सोयाबीन एक ऐसा अन्न है, ऐसा जिसमें कि
मैक्सिमम प्रोटीन कंटेंट होता है, लगभग 45% प्रोटीन कंटेंट होता है सोयाबीन में। और मजे की बात यह कि ये सोयाबीन मध्य प्रदेश में सोयाबीन जो सोयाबीन स्टेट के नाम से जाना जाता है, बावजूद इसके भी कि ये सोयाबीन स्टेट है, पर यहाँ के व्यक्तिगत लोगों का यदि कंजम्पशन की बात करें तो बहुत ही कम है। क्यों कम है? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि तेल के अलावा इसका और क्या उपयोग किया जा सकता है। तेल बड़ी और इसके अलावा और दूसरा कुछ उपयोग भी किया जा सकता है। तो ये टोफू मतलब सोयाबीन का पनीर के माध्यम से इसका उपयोग बढ़ाया जा सकता है। उपयोग बढ़ाना क्यों है? क्योंकि सोयाबीन में जो प्रोटीन है, फाइबर है, उसका यदि हम हमारे शरीर में इसका मतलब खाने के रूप में उपयोग शुरू होगा तो निश्चित रूप से जो व्यक्ति कुपोषित है, जिससे प्रोटीन की कमी है, या वो महिलाएं जिनको प्रोटीन की जरूरत होती है, तो बाहर से प्रोटीन न लेकर इस सोयाबीन के प्रोटीन से अपने हेल्थ को सुधार सकते हैं। तो यही हमारा प्रयास है कि इसके माध्यम से लोगों को जागरूकता फैले कि ये प्रोटीन का उपयोग किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सकता है। अब अंतिम पड़ाव पे ये देखिए, ये दूध फट गया है, अब इसका हम छान लेंगे। इसको छानने के लिए अलग बर्तन में फिर से वैसे ही बहुत सावधानी से, क्योंकि एकदम गरम गरम छानना होता है, तो कोई असावधानी ना हो इस बात का ध्यान रखना होगा। छानने के बाद इसको हम दबा कर किसी भार से इसको दबा के किसी शेप में रख देंगे, जिससे कि इसका पानी पूरी तरीके से निकल जाए और जो बचेगा वो होगा टोफू, सोयाबीन का पनीर। लीजिए, ये हो गया तैयार टोफू। देखिए, वैसे चाहे तो जितना ज़्यादा अच्छे से प्रेस करेंगे उतने अच्छा इसका साइज बन सकेगा। ये घर में लेकिन इस प्रकार तैयार कर सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होगा, जिससे कि सब्जी बनाने या पनीर से जो भी उत्पाद बनाने हैं वो अच्छे होंगे। दोस्तों, बनाइए, पकाइए, खाइए और स्वाद ज़रूर हमें बताएं कि आपने किस तरीके से बनाया और इस पनीर से, इस सोयाबीन के टोफू से कितना आनंद आपने लिया। शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें कि आपके अनुभव किस तरह के रहे। बहुत बहुत धन्यवाद जैविक वाला चैनल में जुड़े रहने के लिए। सब्सक्राइब करें और लोगों को साझा करते रहें।